क्यों रिजक को ठोकर मारती है? अरे पगली, लोग तो इस पापी पेट की खातिर न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। तूने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तू डर क्यों रही है? और रही बात रायमा की, तो वो तो बच्ची है, उससे क्या मालूम कि कौन क्या चाहता है। वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं उन लोगों से वादा करके आया था कि उन लोगों को यहाँ बुलाऊंगा। आप एक मरतबा उन लोगों से मिले तो सही, आई एम श्योर उन लोगों को मिलने के बाद आप अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे। ओके आर्यन, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम उन्हें बुला लो। थैंक यू। मगर एक बात याद रखना कि वो यहाँ आकर हमेशा के लिए टिक ना जाए। और देखो कैसी बात है, डाकू ही मेरी बेटी को उठा कर ले गए। लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक को जान से मार दूंगा मैं। तमन्ना भी, अब तुम रिटायर्ड हो जाओ, क्योंकि ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं। तुम बाहर चौक में बैठकर मेहंदी और चूड़ियां बेचो। नहीं, से बहुत समझाया है जी, नहीं मानती। पिछले 10 सालों में पहली बार मैं तुझसे ये जुमला सुन रही हूं। ये सबसे अलग है हुसनारा भाई, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे, आपको अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दे। मेरी माँ वरुण होके मर जाएगी, मैंने मेरी किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरा क्या कसूर है? कसूर जाके शौकी से पूछ, हमने तो सिर्फ तेरी कीमत अदा की। और सुन लड़की, ये काम सिर्फ और सिर्फ सिक्कों की झनकार सुनने के आदि है, चीखों पुकार नहीं। सुना तूने? और तेरे ये रोने धोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। एक औरत है ना, मेरी एक औरत की फरियाद क्यों नहीं सुन सकती? औरत? तो क्या जाने औरत क्या है, जब अंदर की औरत मरती है ना तो एक तवायफ जन्म लेती है, और मैं एक तवायफ हूं, औरत नहीं। लेकिन तू फिक्र ना कर, तू भी मेरे जैसी हो जाएगी, मगर थोड़ा वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि जब जख्म चीखों की धुन पर नाचते हैं ना तो बदन खुद ब खुद कारोबार करने लगता है। हाँ, कारोबार करने लगता है बदन। लाश से तो कारोबार कर सकती है, मगर मेरे जीते जी नहीं। जब तक मेरे इस जिस्म में एक भी सांस बाकी है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगी। मत करना ऐसा, क्योंकि तूने अगर ऐसा किया ना तो तेरा ये बदन, ये सोने सा बदन,
चांदी के भाव बेच दूंगी, बेच दूंगी इसे चांदी के भाव। दो दिन में चांदी के भाव बेच दूंगी। अगर तुम जीरे को हुक्म करो भाई जी, तो जीरा ये काम दो दिन से पहले ही कर सकता है। तुम इस लाश से तो कारोबार कर सकती है, मगर मेरे जीते जी नहीं। जब तक मेरे इस जिस्म में एक भी सांस बाकी है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। नहीं, तो ऐसा नहीं करेगी। ऐसा मत करना ऐसा, क्योंकि तूने अगर ऐसा किया ना तो तेरा ये बदन, सोने सा बदन, चांदी के भाव बेच दूंगी इसे चांदी के भाव। दो दिन में चांदी के भाव बेच दूंगी। अगर तुम जीरे को हुक्म करो भाई जी, जीरा ये काम दो दिन से पहले ही कर सकता है। मैं तुमसे बहुत सख्त शर्मिंदा हूँ कि हमें यहाँ खाक छानते, नौकरी और मकान की तलाश में आज चौथा दिन है, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई है। ऐसे लगता है जैसे हमारी किस्मत ही सो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। कैसी बात कर रहे हो अमर, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, और मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? अगर अम्मी और बहनें ना आ रही होती तो जितना अच्छा था तुम यहाँ पे रह लेते। चल यार, आज मैं निकलूँगा, बस दुआ करना अल्लाह बेहतर करे। ओके, शाम को मुलाकात। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अमर क्या कह रहा था वो, क्या हुआ है? ज़ेबी, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था तुम्हें अपने घर की रानी बना के रखूँगा, दुनिया की तमाम आसाइशें तुम्हारे कदमों में ला के रखूँगा, पर ऐसा क्यों कह रहे हो उमर? तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, और अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम्हें बहुत जल्द मुलाजमत मिल जाएगी। ये भी समझ नहीं आता कि अगर घर मिल भी गया तो मकान का किराया, खाने पीने के अखराजात, ये सब कैसे पूरे होंगे? मैंने जज्बात में आकर फैसला तो कर ही लिया था घर से निकलने का, लेकिन उस वक्त हरगिज़ नहीं सोचा था कि इतने मुश्किल हालात दरपेश आएंगे। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। बेहतर है कि तुम इनको बेच के अपनी ज़रूरियात पूरी करो, इसके अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। और जब तुम्हारी मुलाजमत लग जाएगी तो ये तो वापस आ ही जाएंगे। तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए,
के सिवा हमारे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अरे मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आ गई, आंटी आ गई। कैसी हो बेटा, आपने मुझे याद किया? आंटी मैंने आपको बहुत याद किया, मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। क्या बात है, चची और सारा नजर नहीं आ रहे? बस क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारी चाची और सारा का दिल तो बहुत कर रहा था तुम्हारा घर देखने को, लेकिन ये जो मेरी बेटी सारा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसकी तालीम है। उसके इम्तहान होने वाले थे और तुम्हारी चाची को भी उसके साथ रुकना पड़ा, वरना सारा तो बहुत बेचैन थी तुमसे मिलने को। क्या करें, मजबूरी थी, वरना हमारा कब जी चाह रहा था कि उनको छोड़ कर आए। सारा के ना आने का अफसोस तो रहेगा, लेकिन क्या करें, वो भी जरूरी है, पढ़ाई से बढ़कर तो कुछ नहीं ना। आप आइए ना प्लीज, यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए। अब मैं आपका घर तो इतना बड़ा है, इसमें तो हमारा पूरा गांव आ जाएगा। हाँ आ जाओ, आ जाओ, शाबाश आओ। सीबी ये तूने क्या किया, लोगों के सामने बदनाम कर, लोगों के ताने सुनने के लिए। ना रो नूरी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा पुत्र, मेरे तो सिर का साय भी उसकी वजह से चला गया। ये तू क्या कह रही है, तेरे सिवा मेरा है कौन, मुझे किसके सहारे छोड़ कर जाएगी तू? अम्मा तूने कल से कुछ नहीं खाया, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं। मुझे भूख नहीं। इस तरह तू और भी बीमार हो जाएगी। इसीलिए शहर से आई थी, हमारी इज्जत को खाक में मिला के चली जाए। अब मैं तेरा बेड़ा घर को जाए,
तूने हमारा कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। अम्मा चुप कर, हौसला कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती, रोना बंद कर। कैसा लग रहा है आप लोगों को शहर आके? आपका घर बहुत ही खूबसूरत है, हर एक चीज तारीफ के लायक है। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही ना, आखिर आप लोगों ने ऐसा घर पहले कहाँ देखा होगा। आंटी चले ना, मैं आपको अपना लॉन दिखा के लाती हूँ। चलो चले। चाचा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चाचा मैं मुसाफिर हूँ, यह मुझे उन्होंने बताया था कि आपका मकान खाली है, अगर आप मेरी उस हवाले से कोई मदद कर दें, मुझे उनको घर दिखा दें, मैं वो लेना चाह रहा हूँ किराए पे। उधर तुम आए कहाँ से हो? वो चाचा मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ नौकरी की तलाश में, और दरअसल ये गांव जो है ना शहर के काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ मकान किराए पे ले लूँ। पुत्र तुम शहर में घर क्यों नहीं तलाश कर लेते? वो चाचा एक तो मेरे पास नौकरी नहीं है, दूसरा जब नौकरी की तलाश में निकलूँगा तो पीछे मेरी बीवी घर में अकेली होगी ना, शहर वाले लोगों का भरोसा तो नहीं है ना कोई। आप देहात में रहने वाले फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरी बीवी महफूज रहेगी। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूँ। चाचा किराया कितना है? उत्तर गाँव में किराए नहीं लिए जाते, घर में हर चीज़ मौजूद है, अगर फिर भी कोई तकलीफ है तो मुझे बता देना। ठीक है चाचा, ठीक है चले। डॉक्टर साहब अब उनकी हालत कैसी है? देखिए मिसेस सहेल, उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमने उन्हें मेडिसिन दी है जिनकी वजह से उनकी हालत कुछ बेहतर हुई है, आप दुआ कीजिए। और वैसे आप दोनों को वो अंदर बुला रहे हैं, प्लीज़ आप उनके पास जाके ज़्यादा शोर मत कीजिए। बाबा बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा, इसलिए मेरी बात को बड़े हौसले और तवज्जो से सुनना। मैं और मेरी बीवी तुम्हारे मुजरिम है बेटा। बाबा ये अब क्या कह रहे हैं बाबा? मैं जो कह रहा हूं और जो कहने जा रहा हूं सिर्फ वो सुनो, वही सच है। मौत लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आती जा रही है, इसलिए हमें माफ कर देना बेटा। हम दोनों तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। बाबा ये अब क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, ये बाबा ये झूठ है। तुम्हारे असली माँ बाप मेरी गलती से एक्सीडेंट में मारे गए थे बेटा, उस एक्सीडेंट में सिर्फ तुम बची थी, हमारे कोई औलाद नहीं थी। अब इसे हमारी खुद गर्जी समझो या औलाद की मोहब्बत तरखाही। हमने तुम्हें अपनी औलाद बना लिया और कितने प्यार से परवान चढ़ाया। ये झूठ है, ये मम्मी कह दे ये झूठ है, ये बाबा क्या कह रहे हैं आप? यह सब सच है बेटा और यही हकीकत भी।
तुम्हारे रिश्तेदार चक जहानिया में रहते हैं, नीचे नीचे स्टोर में पुराने सामान में तुम्हारे माँ बाप का एक बक्स पड़ा है, उससे तुम्हें अपने अजदाद के मुतालिक पता चल सकेगा। आखिरी वक्त में आप कर दे। मैंने कभी ज़मीन और आसमान को मिलते नहीं देखा। कम ख्वाब में टाट का पेमेंट कब लगा है? आप नहीं जानती हैं कि आप क्या हैं। बस एक बात समझ ले कि थोड़ा सा रक्सी तो करवाना है तुझसे। हमने कौन से पत्थर तोड़वाने हैं? मुझसे ये सब नहीं होगा, छोड़ दे, वैसे घर की नहीं हूँ। आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल मामा की तरह।